हे भाई और बहनों, पहला सवाल परमेश्वर से दाविद ने फिर से घुटने टेक के परमेश्वर के सामने पूछा, हे परमेश्वर, क्या ये लोग, क्या किला नगर के लोग मेरा साथ देंगे? इनकी मैंने मदद की है, इनके लिए युद्ध किया है, इनके बच्चों को बचाया है, इनके घर वालों को बचाया है, इनकी मैंने सहायता की है, क्या ये लोग मेरी मदद करेंगे, शाऊल से मुझे बचाएंगे? मगर परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, ये लोग तुम्हें उसके हवाले कर देंगे। हे भाई और बहनों, कितना दुख की बात है दाविद के लिए, दाविद के लोगों के लिए। इतनी मुसीबत उठा के हम लोग इस देश में आए, बचाने के लिए आए, लेकिन शाऊल को देख के ये मेरी मदद नहीं करेंगे, शाऊल का साथ देंगे। हे भाई और बहनों, वो गांव के लोग भी डर गए थे, क्योंकि उन गांव के लोगों को भी पता था कि दाविद की जो मदद करता है वो उसे मार देता है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में डर इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो लोग हमारी मदद करते हैं, जो लोग हमारा सहायता करते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सब से एक सवाल पूछ रहा है, आप और मैं कैसे हैं, आपका और मेरा विश्वास कैसा है, आप और मैं कैसे जी रहे हैं, आपका और मेरा कैसा चल रहा है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे दाविद के जीवन में भी दाविद ने जिनकी सहायता की थी, मदद की थी, बचाया था, परमेश्वर आज दाविद से कह रहा है कि ये लोग तुझे उसके हवाले कर देंगे। हे भाई और बहनों, तो दाविद ने जब परमेश्वर से पूछा, दाविद को परमेश्वर ने कहा कि ये लोग तुम्हें उसके हवाले कर देंगे, तब दाविद ने और उसके जनों ने जो 600 लोग थे किला को छोड़ के चले गए और इधर उधर पहाड़ों में जाके फिर से छुप गए। हे भाई और बहनों, दाविद ने जिस देश की मदद की थी वो देश दाविद की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। दाविद ने सोचा, अगर इनकी मैं मदद, ये लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो शाऊल आएगा और इन्हें मार देगा। इसलिए दाविद उनकी जान बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए उस देश में से चले गया, अपने लोगों को लेके फिर से वो पहाड़ों में, जंगलों में जाके अकेला रहने लग गया। हे भाई और बहनों, अच्छाई करके, भलाई करके उसे खुद जंगलों में जाके रहना पड़ा, मगर वो जंगलों में बैठ के पहाड़ों में रह के भी चुपचाप नहीं था, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था, परमेश्वर की महिमा करता था और कहता था कि मेरा परमेश्वर, मेरा सृष्टि करता, मुझे बचाने वाला मेरे साथ है, तो मुझे किस चीज़ की कमी घटी है। जंगल में जवान शेर को भले कोई भी कमी घटी और भूखा वो रह भी जाता है, लेकिन जो परमेश्वर के पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर की खोज करता है, उसे कभी भी किसी चीज़ की भी कमी घटी नहीं होती। धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर उसे समय के अनुसार उसे वहां से बाहर भी निकालता है। हे भाई और बहनों, दाविद ने अपने भजन में ये लिखा कि मुझ पर बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी कमी घटियां, मेरे ऊपर मेरे शत्रु तलवार लेके मेरे ऊपर आ गए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हर एक मुसीबत से बचाया, उसने मेरी कमी घटियों को भी पूरा किया, उसने मेरी हड्डियों को भी टूटने नहीं दिया, वो तो मेरी हड्डियों की भी रखवाली करता आया है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर उसके साथ था, और दाविद का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। दाविद ने ये नहीं सोचा कि इस देश को मैंने बचाया है, लेकिन ये देश के लोग मुझे उसके हवाले करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसने उस देश की भलाई को सोचा और उस देश को छोड़ के वो चले गया। जब शाऊल को ये बात का पता चला कि शाऊल, दाविद वहाँ से चले गया है,
तो उसने भी अपनी इच्छा बदल दी कि अब मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। हे भाई और बहनों, इस तरह से कीला नगर को दाविद ने इस तरह से फिर से बचाया। जो उसका साथ देने वाले नहीं थे उनका भी उसने साथ दिया,